बड़ा बड़ा मछली है यार। चलो चलो चलो। मेरे काम वो आएगा। नहीं मेरे को कछुआ चाहिए लेके ए लो लो। हां ये खाने दो बस बस। वो तुम्हारे खींच रहे बाबू मेरा है बाबू। हां स्टार्ट स्टार्ट। ये तीर में आ गया एकदम है। दे दे फिर कैसे पास ले रहा है। अच्छा खाऊं इसको। अरे ओके मैं मैच आ गया था कल को दौलत मैंने खिला उसका मुंह ना एकदम सांप जैसा दिख रहा था मेरे को। हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल अर्चू ब्लॉसम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ सरोना गांव। सरोना गांव जो है हमारे रायपुर टाटीबंध से एक से दो किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर हजारों की संख्या में कछुआ पाया जाता है और कछुओं को कुछ खाने का दो तो वो आ जाते हैं बोलते। लेकिन अभी मैंने पढ़ा वहां पर कि जुर्माना लग जाएगा तो हम कुछ कुछ लेके भी आए थे लेकिन अब नहीं खिलाना है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। और यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है मतलब कि शिव जी का काफी पुराना मंदिर है। तो देखते हैं वहां आके शिव जी से भी मैं अभी दर्शन करेंगे हम और बहुत सारे कछुओं से मिलने वाले हैं अपन। तो चलो जल्दी से वीडियो को भी स्टार्ट करो। आप लोग कुछ इस तरीके से ऐसा दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में तालाब में मछलियों को आटा ब्रेड या कुछ भी खिलाना सख्त मना नहीं तो 500 रुपए देना पड़ेगा भैया। और टाइमिंग देख सकते हो 9 से 11 सुबह और शाम 3 से 6 बजे ठीक है। अंदर ले जाना 4 पहिया ये वो सब मना है ठीक है। चलो चलते हैं अभी हम अंदर। और बहुत ही सुंदर सा मौसम है इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार मजा ही आ रहा है मेरे को तो अंदर जाने में। देखते हैं। अच्छा यही तालाब है लग रहा है। देखो छोटे छोटे बच्चे लोग भी आए हैं यहाँ पर फुंदरू फुंदरू लोग कछुआ देखने के लिए। पूछे क्या इन लोग से कछुआ दिखा कि नहीं पूछते हैं ना। तालाब यहाँ से देख लो अब बच्चे लोग से पूछते हैं कछुआ दिखा क्या आप लोगों को। कछुआ दिखा क्या कितना बड़ा दिखा कितना ठोक दिखा कितना ठंड दिखीस बहुत सारा। और आपको नहीं दिखा। अरे यार इसको क्यों नहीं दिखा है। चलो अच्छा ये वाले तालाब में नहीं है आगे वाले और एरिया है बोल रहे हैं तो वहां देखते हैं मेरे को। लेकिन यही वाला तालाब लग रहा है क्योंकि लोग दिख रहे हैं ऐसा फोटो वोटो खींचते हुए। और यार बहुत ही सुंदर सा मौसम है ठंडा ठंडा सा। ये देखो ना मछली तो देखो यार मछली देखो यार मछली क्या बड़ा बड़ा मछली है भाई। ये कछुआ नहीं नारियल है कछुआ है बोल रहे हैं। वो उधर चलते हैं अपन बच्चे लोग बैठे हुए हैं आंटी लोग बैठे हुए हैं ताकि यहाँ से भी देखने की कोशिश करते हैं। मछली तो भयंकर बड़ा बड़ा है यार देख सकते हो आप लोग मछली को। कछुआ अच्छा ये देख सकते हो आप लोग क्या बड़ा सा कछुआ यार इसका ऐसे निकल के कोंटे में आता है क्या? वीडियो ले लेते मछलियां देख सकते हो और कछुआ ये देख सकते हो यार काफी बड़ा सा है। पानी हल्का सा ग्रीन है ना उसके। ये देखो मुंडी निकाला देखो दिख रहा है आप लोगों को ये निकाला मुंडी। पांच छह था पानी भी इतना गंदा है ना कि साफ साफ दिख नहीं रहा है। मछलियां काली हैं इसलिए दिख रही हैं। कछुआ थोड़ा ग्रेइश कलर का है वो देख सकते हो वहाँ पर एक कछुआ जा रहा है। तो सुनिए ना एक काम करते हैं ना आज आप कल बात कर सकते हैं। ये देखो मैंने जूम कर रखा है वो वहाँ पर देख सकते हो आप लोग वो वहाँ पर एक कछुआ दिख रहा है। और शायद वहाँ पर भी कुछ है क्या यार नहीं लकड़ी है बड़ा सा। और अपन उस साइड चलते हैं और उस साइड में आप लोगों को ये सब पढ़ लो ये सब वैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। कछुआ डालना भी मना है। अच्छा मतलब घर का कछुआ भी नहीं डाल सकते ऐसा कुछ है क्या। काफी सारी है यहाँ पर कछुआ कछुआ को देना। अबे तू उधर भाग भैया सब खिलाना तो मना है क्या। खिलाना तो मना है क्या दिखा था क्या कछुआ यहाँ पर। और आप लोग क्या बड़ा सा कछुआ है खाने के लालच में आया है ये ऊपर चखाऊं इसको। अरे ऊपर मैं चखाया था कल मैं कुछ वही खाने के लिए आता है क्या यहाँ तक चखाया था फिर भैया मना कर दिया। एक ही ठोक है क्या यहाँ पर और नहीं आया भाई सारा कछुआ है उधर भी है उधर भी है। हाँ उधर दो ठोक दिखा था
खेले आटा नहीं तो ऊपर ले चलो कहाँ गया बड़ा बड़ा मछली है सामने ऐसा फेंको ना वो आएगा नहीं मेरे को कछुआ चाहिए लेकिन ये आ रहा कछुआ ये ऐसा फेंको बस ऐसा खुद ही आ जाएगा वो धीरे धीरे दूर से ही फेंको ना दूर धीरे ऐसा फेंको बस खुद ही आ जाएगा साथ में तीनों वही माथे में लग गए क्या इसके नमकीन खा बुरा लग रहा है ना इसी को दे रहे हैं चलो चलो चल 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 एक ही ठोके यार ऐसे पांच छह ठोके से हाँ है ना उधर भी है ना उसकी मछली वो भी कछुआ है बदौलत खिलाओ ना सामने आ रहा आपके आपके बदौलत मैंने खिला कछुआ अभी अपन बैठे थे ना ये देखो दिख रहा है यहाँ से मुंडी थोड़ा सा निकाला है भैया उसका मुंह ना एकदम सांप जैसा दिख रहा था मेरे को तो डर लग रहा था तो यहाँ पर अपन देख लिए हैं कछुआ इस तालाब में यहाँ दो तालाब है और यहाँ पर शिव मंदिर है टाइम देख सकते हो 4:30 बज रहा है लेकिन पता नहीं मंदिर का टाइम 4 से 6 है फिर भी अभी तक के खुला नहीं है तो देखते हैं शूज में यहीं उतार देती हूँ और अब हम चलते हैं और शिव जी का दर्शन करेंगे अभी हम काफ़ी ज़्यादा शांति और अच्छा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे कछुए हैं पर दिख नहीं रहे हैं घुसे हुए तालाब में ऐसा बोलना है लोगों का और मछलियाँ तो खूब सारी हैं यार यहाँ पर और ये देख सकते हो यहाँ पर अपने को शूज़ उतारना है और मंदिर अभी बंद कर रखे हैं नहीं जाने दे रहे हैं ना मंदिर अभी जाने नहीं दे रहे हैं देख सकते हो 4:30 बज चुका है 4 बजे का टाइमिंग है ये है हमारी संतोषी माता का मंदिर है और यहाँ पे शिव मंदिर भी है और यहाँ पर जो है तालाब है तो अभी हम तालाब देखेंगे एक और पता नहीं क्यों नहीं खुला है अभी तक के साफ सफाई चल रहा है शायद ये देख सकते हो यहाँ से भी रास्ता है मंदिर का और यहाँ पर ना तालाब है वो देख सकते हो यार तालाब बहुत सारे मठ बने हुए हैं तालाब क्लियरली दिख नहीं रहा और इतना गंदा है ना बापरे शूज उतार के पैर गंदा कर रहे हैं सच में तो ये वाले जो तालाब है यहाँ पर सिर्फ मछलियां हैं और गंदगी दिख रही है और वो वाला जो तालाब हमने देखा ना वहाँ है कछुए और मछलियां एक भगवान वाला तालाब है तो यहाँ पर के जो भी मछलियां हैं उसको खा भी नहीं सकते हैं मैं खाने के मकसद से नहीं बोल रही हूँ जस्ट पता चला तो मैं बोल रही हूँ यहाँ से देख सकते हो भाई ये वही वाला तालाब है प्लस यहाँ पर सारी मंदिरें हैं और ये तालाब जहाँ पर सिर्फ मछलियाँ हैं और यहाँ पर अभी सफाई हो रहा है ये देख सकते हो आप लोग
देखिए।